हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग और आई होप आप सभी बहुत अच्छे हों और यहाँ मेरा वीडियो ये जो है बहुत टाइम बाद आया है मैं बीच में किसी वजह से वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाई थी मैं आई हुई हूँ आज शॉपिंग करने पैंटल तो यहाँ आते ही देखा मैंने मिरर मिरर में देखते ही ना मैं अपना वीडियो शूट करने से रह ही नहीं पाती हूँ तो यहाँ पहले मैंने अपना वीडियो शूट किया उसके बाद ना मैंने यहाँ का कलेक्शन देखा वाह अमेजिंग कलेक्शन था सीरियसली बहुत अच्छे कुर्ते थे और बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी लेकिन उससे पहले मैं गई अपर सेक्शन की तरफ क्योंकि वहाँ पर सारा वेस्टर्न ड्रेस का कलेक्शन था जो कि मुझे कुछ अपर बाय करने थे और टी शर्ट्स वगैरह तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर ना विंटर का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है और समर का भी काफ़ी था लेकिन टाइमिंग कुछ ऐसी चल रही थी ना कि ना तो समर फील हो रहा था ना ही विंटर अब ऐसी कंडीशन में ना समझ नहीं आता था क्या ख़रीदो तो मैंने फिर भी ना समर के खरीद ही लिए थे कुछ और यहाँ पर मैंने सबसे पहले उन्हीं को ट्राई करने के लिए निकाल लिया था पसंद कर दिया था ये मैंने डाल लिया अपने इस कार्ट में और ओ हाँ इसे मिली ये है मेरी फ्रेंड और इसने खुद ही मुझसे कैमरा लेके बोली मैं हाँ बोलती हूँ सभी को तो इस का हेलो जरूर ले लेना ये है मेरी जैकेट जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी डैनिम की और अब चलो मैं दिखाती हूँ आपको पहला वाला टॉप और ये है ग्रीन कलर का जो कि डार्क ग्रीन कलर में है और इसमें जो आपको चैन लगी हुई दिखाई दे रही होगी ऊपर के साइड गले पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसके साथ और इसी में ऐड थी वो और आप ज़रूर बताना इसका कैसा लुक लग रहा है और ये सेटन में कपड़ा था और सारा ना सबसे ज़्यादा ये वाला बहुत अच्छा लगा था मुझे क्योंकि ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा से ही ज़्यादा फॉर्मल सी लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ये भी थोड़ा सेटिन में ही था इसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे सिल्वर कलर के और काफ़ी अच्छी शाइन कर रही थी सो so, अब आती है नेक्स्ट ड्रेस जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है कॉट सेट है और ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं कॉट सेट कंफर्टेबल वाले क्योंकि इन्हें पहनने के बाद ना आप ऐसा लगेगा बस कहीं भी निकल जाओ जैसे कि आप घर में हो तो ये वाले बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में हैं तो आपको भी ख़रीदना हो तो इस तरीके का ज़रूर खरीद सकते हो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है तो मैंने उसे भी बाय कर लिया था तो यहाँ पर आ गए हम बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी बर्गर किंग में तो ये यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी थोड़ा सा कुछ लोग खड़े हैं ऑर्डर देने के लिए इसलिए मैंने सोचा बाद में देती हूँ ऑर्डर तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम लोग बैठ के बात करने लगे ये थोड़ा सा मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करती है मैडम तो इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं वॉइस ओवर करके हटा दूँगी आपकी आवाज़ तो ये यहाँ पर थोड़ा सा फालतू के मस्तीबाजी करने लगे तो मैंने बताया इसको कि आज ये पे करने वाली है मेरा बिल और इस तरीके से इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं थी लेकिन हाँ ये था कि हँस रही थी कि हमेशा मुझसे कराती है बिल पे कैमरे के साथ ऐसा होता है कि कई बार मिल जाए ना कैमरा बस उसी में नहीं हारती रहती हूँ मैं तो बैठ के यहाँ पर ये पीछे से कुछ ना कुछ हरकतें करती रहती है हाँ मैं मैं कुछ नहीं डालने वाली तेरा ठीक है कुछ नहीं ऐड करने वाली बस करती रह जो करना है इसे तो इसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा आ जाता है ऑर्डर जो कि बहुत देर से इंतज़ार चल रहा था सब कुछ एज़ यूज़अल है बर्गर किंग की माने तो भाई साहब कि आपको यहाँ ना अगर इंडिया में माने तो आपको इंडिया का टेस्ट मिलेगा बर्गर किंग में तो आपको इंडिया वाला बर्गर मिलेगा तो इसीलिए ये वाला मुझे अच्छा लगता है फ्रेंच फ्राइज़ तो मेरे फेवरेट हैं क्योंकि खान कर फूल तो बेसक जाऊंगी मैं कोई मेरा डाइट नहीं फॉलो हो रहा ना ही कोई जिम का कोई कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घूम रहा है बस अब ये लगा है कि खाओ पियो मौज करो मितवा। सो so यहाँ पर हमने अपना कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया और सच में कॉफ़ी ठीक थी अच्छी थी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खास नहीं थी ठीक थी और इसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी फिनिश की हम लोग चल पड़े हैं अपने घर की तरफ नाइट हो चुकी है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर